हेलो चिल्ड्रन, ये वीडियो आरएसएम विद्या आश्रम क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए है। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज सी। हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। सम फैक्ट्स If you take two number, अगर आप दो numbers को लेते हैं, they are either equal, one is greater than the other, or one is smaller than the other. अगर आपके पास two numbers हैं, तो या तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के equal होंगे, यानी बराबर होंगे, या फिर एक number दूसरे number से बड़ा होगा, और दूसरा number पहले number से छोटा होगा। We know that a number with more digits is greater. ऐसा number जिसमें ज्यादा digits होते हैं वो क्या होता है, greater यानी बड़ा होता है। जैसे यहां देखिए 4, 5, 6, 5, 9, इसमें कितने digit हैं, 5 digit हैं, और 9, 6, 5, 6, इसमें 4 digit हैं। तो obviously जिसमें ज्यादा digit होंगे वो number बड़ा होगा। तो ये जो नंबर है ये क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसमें ये साइन लगेगा। 45,659 इज ग्रेटर देन 9,656। सेकंड देखिए, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर्स आर सेम, द नंबर विद अ ग्रेटर लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर। अगर यहां पे एग्जांपल दिया गया है आपको 45,659, 5 डिजिट है, यहां पे भी 5 डिजिट है, तो आपको इन दोनों में कंपेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस डिजिट का फर्स्ट नंबर, यहां है 4, और इस डिजिट का फर्स्ट नंबर, इस नंबर का फर्स्ट डिजिट ये है 3, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 4। तो obviously आप क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खोलेंगे, 4 की तरफ, तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज, इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, द नेक्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज कंसिडर्ड, एंड सो ऑन। अगर आपका जो नंबर का फर्स्ट डिजिट है वो दोनों नंबर्स में इक्वल है, यहां पे 8 है, यहां पे भी 8 है, दोनों इक्वल हो गए, तो आप क्या करेंगे, आगे वाले नंबर पे मूव करेंगे। तो देखिए यहां क्या है, 7, और यहां क्या है, 6, 7 और 6, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा 7 और 6 में से, 7, तो क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुलेगा, 7 वाले नंबर की तरफ, तो ये कंप्लीट नंबर इस नंबर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू लार्ज नंबर। छोटे से बड़े नंबर। व्हेन वी अरेंज नंबर्स बिगनिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, अगर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं और उसकी बिगनिंग स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे नंबर के साथ, और ग्रेटेस्ट नंबर तक जाते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसे बोलते हैं इंक्रीज होना यानी बढ़ते हुए क्रम में जाना। इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, नाउ लेट अस फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड कंपेयर। फर्स्टली हम सारे नंबर को क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे, और उसके बाद में उनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन जैसा आपको ऊपर सिखाया गया, टू नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए, जब हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, तो देखिए फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो 5 डिजिट का है, सेकेंड नंबर 4 डिजिट, थर्ड 5, फोर्थ नंबर पे जो नंबर है वो 5 डिजिट का है, और जो लास्ट है वो 6 डिजिट का नंबर है।
तो सबसे स्मॉलर नंबर, यहाँ पे रूल नंबर वन क्या था, जिसमें सबसे कम डिजिट होते हैं वो नंबर क्या होता है, स्मॉल होता है या छोटा होता है। तो हमारे पहले नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये 4 डिजिट वाला। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न पे देखिए, 3 5 डिजिट के नंबर दे रखे हैं, तो 5 डिजिट के नंबर को कंपेयर कीजिए। तो अब देखिए यहां है 7 9 2, तो कौन सा नंबर छोटा होगा, 2 वाला, तो ये आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। ओके, अब 7 एंड 9 में से कौन सा नंबर छोटा है, 7, तो ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे। ये बचा है जो 4th पे, और जो लास्ट बचा है वो 5th पोजीशन पे। ओके, तो हम इसी को इसी तरीके से अरेंज कर देंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर इज विद द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर, जिसमें कम डिजिट होंगे, तो वो कौन सा नंबर है, 3594, जिसमें क्या है, 4 डिजिट है, ओनली 4। देयर आर 3 नंबर्स विद 5 डिजिट्स, वहां पे 3 नंबर्स हैं जो 5 डिजिट के हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन रूल इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के रूल के अनुसार दे आर, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 21,587, नेक्स्ट नंबर इज 75,928, एंड द लास्ट 92,593। द ओनली नंबर विद द मोस्ट नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटेस्ट। ओनली नंबर, क्योंकि इसमें एक ही नंबर दिया गया है जिसमें 6 डिजिट्स हैं, और वो सबसे बड़ा नंबर होगा यानी ग्रेटेस्ट होगा, तो उसको सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका नंबर है, इस साइन का मीन्स है 3594 इज लेस देन 21,587, लेस देन, दिस नंबर इज लेस देन 75,928, लेस देन 92,593, एंड लेस देन 7,85,922। ओके, सिमिलरली ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। व्हेन वी अरेंज द गिवन नंबर्स बिगनिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आता है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर से उसके बाद में उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, और एंड में जाते जाते सबसे लास्ट स्मॉल नंबर को लिखा जाता है। ऐसे ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, और इसे बोलते हैं घटते हुए क्रम में लिखना, घटते हुए क्रम में लिखना। तो देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे सेट करेंगे हम, फर्स्टली तो हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। नाउ लेट द फर्स्ट अरेंज द गिवन नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड कंपेयर। प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करके इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पर देखिए, यहां है 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 6 एंड 4। तो जैसे उसका रिवर्स, हमने कंपैरिजन में पढ़ा था, तो उसका रिवर्स लॉ लगाते हैं। जैसे उसमें कहा गया था, जो नंबर, जिस नंबर में डिजिट सबसे कम होते हैं वो क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। तो जिस नंबर में डिजिट सबसे ज्यादा होंगे वो क्या हो जाएंगे, बड़ा नंबर। तो यहां देखिए, यहां 6 डिजिट है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद में 6 से 5 5 डिजिट, ये सेकंड नंबर पे। अब देखिए, यहां 4 डिजिट के 2 नंबर्स हैं, तो इसको कंपेयर कीजिए, पहले कौन सा आएगा। 4 डिजिट का यहां है 9 और यहां है 5, तो कौन सा नंबर होगा छोटा, आपको छोटा नंबर नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, बड़ा नंबर लेना है। तो ये पहले ये आएगा थर्ड पोजीशन पे, और लास्ट में ये आएगा, और उसके लास्ट में 3 डिजिट का नंबर। ओके, वी नो दैट अ न्यूमेरल विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इज द ग्रेटेस्ट। सो 2,50,235 इज द ग्रेटेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होंगे वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर जिसमें 6 डिजिट है वो होगा
उसके बाद फाइव डिजिट नंबर, फाइव डिजिट के बाद लिखा गया है 28,739 इज द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर विद फाइव डिजिट, जो फाइव डिजिट का नंबर है. ऑफ द टू न्यूमेरल ऑफ फोर डिजिट 9354 इज ग्रेटर देन 5678. फोर डिजिट के टू नंबर दे रखे थे हमें, जिसे हमने कंपेयर किया. तो देखिए सबसे बड़ा नंबर 9 का था, तो पहले इसे लिखा जाएगा, उसके बाद में 5 वाले नंबर को लिखा जाएगा, एंड लास्ट जो 3 डिजिट का नंबर है वो लिखा जाएगा. विद द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट इज द स्मॉलेस्ट, जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगे वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा. सो द ऑर्डर ऑफ गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, ऑर्डर क्या रहेगा इनका, सबसे पहले आएगा 2,15,235 इज ग्रेटर देन 28,739 इज ग्रेटर देन 9,354 ग्रेटर देन 5,678 एंड ग्रेटर देन 785. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट. आपको कुछ डिजिट दिए जाएंगे, उससे आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को फॉर्म करना है. तो देखिए कैसे करेंगे हम. टू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, राइट ऑल डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सारे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इफ गिवन डिजिट आर इक्वल देन प्लेस देम टूगेदर. अगर दिए गए डिजिट सेम आते हैं तो उनको एक साथ रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 483,592,6 इज, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे बड़ा नंबर. इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, 9 से छोटा 8, उसके बाद में 7 नहीं है, 6, 5, 4, 3 एंड 2. तो ये क्या बन गया आपका सबसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर. द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 2,05,9,349 इस, इसमें क्या बनेगा. अब देखिए इसमें आपको कहा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और 9 आपको दे रखे हैं, तो 9 दो बार दे रखे हैं, तो दोनों 9 को एक साथ ही रखेंगे हम. क्या रखेंगे हम, 9,9,5,4,3,2,0. ओके, टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, राइट ऑल डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर, फिर लार्ज, फिर उससे लार्ज, और ऐसे करते हुए हम लिखे जाएंगे. असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में लिखना है हमें. इफ जीरो ऑक्यूर्स इन द गिवन डिजिट, अगर किसी डिजिट में आपको जीरो दिया जाता है, देन प्लेस जीरो आफ्टर फर्स्ट स्मॉलर डिजिट. हम क्या करेंगे, कुछ करते हैं कि जैसे अगर आपको किसी में डिजिट दिया गया है जीरो, जैसे 0, 2, 3, 4 दिया गया है, तो आप क्या लिख देंगे, ये नंबर बना देंगे आप 0, 2, 3, 4. ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है हमें. हमें क्या करना है, पहले सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 2, उसके बाद 0 आएगा, 2, 0, 3, 4, क्योंकि इस तरीके से ये कोई नंबर नहीं बनेगा, लेकिन ये नंबर बना है इस तरीके से. देखिए, एंड इफ गिवन डिजिट आर इक्वल देन प्लेस देम टुगेदर, और अगर दिए गए डिजिट क्या है, इक्वल है, तो आप उनको क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें इस नंबर को यूज करके. क्या है नंबर, 6,7,8,2,5,9,4. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2, फिर उसके बाद 3 नहीं है, तो 4, 4 के बाद 5,6,7,8,9. तो क्या बन गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट, अब इसमें 0 दिया गया है, 2,0,6,5,1,4,8. तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा लिखा जाएगा इसमें, 1, 1 के बाद 0 को प्लेस कीजिए, 0, फिर 2, 4, 5, 6, 8. द
the smallest number formed using the digit? 7, 8, 2, 3, 5, 7, 0. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2, 0, 3, 5, 7, 7, 8. जब दो डिजिट एक जैसे दिए हो, जैसे 7 दिया है और यहाँ पे भी 7 दिया है, तो दोनों को साथ में रखना है. ऐसे नहीं एक 7 को आप आगे लगाओ, एक को पीछे लगाओ, ऐसे नहीं करना है. ऐसे रॉन्ग होगा. आप क्या करोगे, दोनों 7s को एक साथ लिखोगे, तो उससे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज सी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.